बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 25,000 से पार। बिहार में विस्फोटक हुए हालात, हकीकत जानने पटना पहुंची केंद्रीय टीम। बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बिहार में छलांग लगा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या से स्थिति गंभीर होती जा रही है। हफ्ते भर से प्रतिदिन करीब 1,000 संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आने लगे हैं और उसके बाद केंद्र सरकार की विशेष टीम रविवार को बिहार पहुंची। टीम स्थिति जायजा लेकर देर शाम वापस दिल्ली लौट जाएगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है, कोरोना को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इधर केंद्रीय टीम की बात करने से पहले आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो गई है और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहे हैं। बिहार में मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच चुकी है। अब बिहार के लोगों को और काफी सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार बिगड़ते हालात को लेकर चिंतित केंद्र सरकार की भेजी गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में रविवार को दोपहर 12 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से पटना पहुंची। इन 3 सदस्यीय टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एस के सी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल भी शामिल हैं। इधर बताते चले कि यह हाई लेवल टीम बिहार में कोरोना की स्थिति का ऑन स्पॉट तथा अधिकारियों से जानकारी लेगी। टीम किसी कंटेनमेंट जोन का दौरा भी कर वहां कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति व राज्य सरकार की कार्रवाई को देखेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद टीम गया जिले का दौरा करेगी। केंद्रीय टीम पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा बिहार के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करने के बाद शाम में दिल्ली लौट जाएगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर कोविड-19 के रोकथाम के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की नज़र बिहार की स्थिति पर बनी हुई है। सरकार ने कोरोना की जांच के लिए पिछले हफ्ते 50,000 किट मंगवाए थे। इस किट से महज आधे घंटे में कोरोना संक्रमण की जांच हो जाती है। 50,000 और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट बिहार पहुंच गई है। इधर बताते चले कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। शनिवार को 739 नए मामले सामने आए, इसके साथ मरीजों की कुल संख्या 24,967 हो गई है। बीते 8 जुलाई को जहां 13,274 मरीज थे, वहीं 10 दिनों के बाद अब मामले दोगुने से अधिक हो गए हैं। इधर यह भी बता दें कि आज रविवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच चुकी है। इस स्थिति में बिहार के लोगों को और काफी सतर्क रहने की जरूरत है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज्यादा जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं। आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।